बैक टू माई चैनल। सो आज हम आए हैं माधवगढ़ फार्म और यहाँ पे ना आपके शेयर करूँगी, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। सो वीडियोस को एंड तक बने रहिएगा, वीडियोस में आपको बताऊँगी कि यहाँ का क्या चार्ज है, एंट्री फी क्या है और क्या क्या एक्टिविटी है करने के लिए। सो बहुत एक्साइटेड है आज हम, है ना? क्योंकि इन लोग के ना बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है, एग्ज़ाम ओवर हो चुके, तब से सोचा कि इन लोग को इन्जॉय कराते, खुद भी इन्जॉय कर लेते। सो फ्रेंड्स, ये है गुड़गांव का माधवगढ़ फार्म और यहाँ पे जो एडल्ट की एंट्री फीस है वो है 1250 और बच्चों की है फीस यहाँ पे 650। जो 3 फीट तक के बच्चे हैं उनकी एंट्री यहाँ पे फ्री है। सो फार्म में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, तो यहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं, तो ऑनलाइन में डिस्काउंट वगैरह भी अवेलेबल होती है। टिकट काउंटर में टिकट परचेस करने से यहाँ पे आपको फ्लैट 1250 ही चार्जेस है। और उसके अलावा आपको पार्किंग एरिया यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत बड़ा का पार्किंग एरिया है जिसमें आप आराम से अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फार्म में आपकी एंट्री बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में होने वाली है। पहले आपको तिलक लगाएंगे और ढोल बाजा बजा के आपकी एंट्री होगी। सो फार्म में पहुंच के सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग 10 o'clock से स्टार्ट हो जाती है और ये जो टिकट है टिकट में ही इंक्लूड होता है इनका ब्रेकफास्ट और लंच। उसकी टाइमिंग ऑलरेडी इसमें मैंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे ना आपको बच्चों से लेके बड़ों तक के सबके लिए एक्टिविटी मिल जाएगी करने के लिए। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्टिविटी मिल जाएगी ऐसे, जिसमें आप बच्चों को बिजी रख सकते हैं। और प्लस एडल्ट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। और अम्मू को ही हमने इनके साथ बीच में छोड़ दिया यहाँ पे कि वो भी थोड़ा मस्ती करे, तो वो भी इनके साथ जंपिंग करने लगी इसमें। सो गाइस, ये एरिया है, इसमें ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जैसे ये बास्केटबॉल एक्टिविटीज़, गुलेल, बॉल टू बॉल। फिर हम उसके आगे पहुंचे तो हमने देखा कि ये क्या स्विमिंग पूल में तो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो लकी चीकू और वासु से बिल्कुल रहा नहीं गया और वो भी इनके साथ स्विमिंग पूल में कूद गए। हेलो फ्रेंड, लकी और चीकू रेडी है एकदम स्विमिंग पूल में कूदने के लिए। जंप करना, जंप जंप करो। सारे बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं ना, बस हमको देख के ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि ना कपड़े तो लाएंगे स्विमिंग पूल वाले, बाकी चीकू और लकी ने और वासु ने ना स्विमिंग पूल वाले कपड़े इनको रेंट पे दिला दिए। अभी रेंट पे भी अवेलेबल है, जिसको अगर करना हो पूल में जाना हो तो रेंट के कपड़े मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको इतनी सारी एक्टिविटी मिल जाएगी डिफरेंट डिफरेंट तरह की, कि बच्चों से लेके बड़े सब कोई कर सकता है वो एक्टिविटी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी अपना पूरा फुल पार्टिसिपेशन किया। क्या नाम है इसका? कुकू। हाथ कटाने के लिए ये छोर छुपा कर देंगे अपनी। इसमें टच में करा होती है एक बंदा कर रहा है, लड़की छोड़े तभी तो देखने इसको। देखो सो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें बैठेंगे बुलेट कार्ट राइड में, बैलगाड़ी, और अपने बचपन का आनंद लेंगे। अपना बचपन याद आएगा, बचपन में ना गांव वगैरह में होते ना ये बहुत पहले बैठते थे, बैठी मैं बहुत पहले बचपन में बैठी थी। अब तो कहाँ होते हैं गांव में, अब तो बहुत मुश्किल से देख होते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं। वैसे पहले बैठे उसके ऊपर? हाँ। कब? गांव में भी बैठा हूँ और स्कूल में भी लेके गए थे। अब वो फर्स्ट टाइम बैठ रहा है, पता लग रहा है। Oh, my God.
करेंगे कैमल राइड। लकी आ जाओ जल्दी, चलने वाला है। आमू आमू जाओ 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 वापस 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 जाओ वापस जाओ जाओ। तो फ्रेंड्स ये ना जिप लाइनिंग की लाइन है, यहाँ पे हम भी लगे थे बहुत देर से, मैं यहाँ पे लगी हुई थी, बट ये लाइन ना बहुत लंबी है, थोड़ी सी लंबी है और इतनी धूप हो रखी है तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि इस लाइन में लग के, मतलब मन तो बहुत था कि जिप लाइनिंग करें बट अभी ना ताकत नहीं है कि इतनी लंबी लाइन में लग के हम इतने देर तक वेट करें। तो इसलिए वैसे जिप लाइनिंग मैंने पहले करी हुई है बट था कि यहाँ पे आके थोड़ा इन्जॉय करना था, बट बहुत लंबी लाइन है, नहीं लग सकती इतनी लंबी लाइन में इतनी देर तक, इसलिए अभी बाकी चीज़ का हम इन्जॉय करेंगे बाकी चीज़ को। यहाँ पे ना साथ में यहाँ पे ये माधवगढ़ यहाँ पे मेहंदी वाले भी है, ये देखो आपको दिखाते हैं, मेहंदी लग रही है, मैजिक शो हो रहा है यहाँ पे। हम ना फिर से लाइन में लग गए और इस बार ना लाइन थोड़ी ना कम थी तो हम लगे चलो चांस ले लेते, तो जिप लाइनिंग करने का मन था सबका, चीकू का, लक्की का, बासु भी लाइन में लगा था, उसका भी मन है, एक्सप्रेशन नहीं देता कुछ, हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो, हमारा नंबर आने वाला है। ये जा रही चीकू, ये गया वासु। ओह गॉड, नर्वसनेस भी हो रही है, मेरा नंबर आने वाला है, नेक्स्ट है मेरा नंबर। यहाँ से व्यू देखो कितना व्यू, यहाँ से व्यू कितना ऊपर है ये। सो फ्रेंड्स ये इस फार्म का डाइनिंग एरिया जिसमें आपको फूड का ऑप्शन अनलिमिटेड मिलने वाला है, बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है और अगर आप चाहो तो अंदर बैठ के इंजॉय कर सकते हो मील को और बाहर आप नेचर में भी बैठ के आपको मील इंजॉय करने का पूरा आपको अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। सो मैंने अपनी थाली उठाई और हमने सोचा कि हम बाहर नेचर में बैठ के अपना मील इंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का माधवगढ़ फार्म का व्लॉग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।